पीसफुली चल रहे प्रोटेस्ट को किसी तरह की अगर कोई भी वहां आकर गुंडागर्दी करता है, खराब करता है, तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आम जनता को वो लोग बहलाकर, फुसलाकर, उनको अपने पीछे लगाकर वहां लाते हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, वो पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा है, कोई नुकसान पहुंचाने की अगर सरकार की एजेंसियां पॉलिसी कोई नीति करने का प्रयास करेंगी तो उसका खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अभी अभी यहाँ से हमें सूचना मिली है कि शंभू बॉर्डर के ऊपर कुछ लोगों ने आकर गुंडागर्दी करने का काम किया है, वहाँ पे बवाल खड़ा किया है, कह रहे हैं कि आंदोलन को उठाओ, हमें रास्ता छोड़ो। पहले हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये रास्ता हमने नहीं बंद किया, ये रास्ता सरकार की ओर से बंद किया गया है। वो जो हमारे साथ आकर हमारे आदमियों के साथ झगड़ा करते हैं, उनके उन सबको मेरा निवेदन है कि वो पहले जाकर सरकार का वो जगह देखें, उनसे रास्ता खुलवाएं। उनसे जब रास्ता खुल जाएगा तो हमारे लिए भी रास्ता खुल जाएगा, हम भी दिल्ली जाएंगे। हमें यहाँ बैठने का कोई शौक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैं सरकार से को ये निवेदन करूँगा कि सरकार इस बात का गंभीरता से संज्ञान लें। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी जानबूझ कर करवाई जा रही है घटना है। क्योंकि जिन लोगों को, जिन जिन सरकारों को यहाँ पीसफुली चल रहे आंदोलन का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, आए दिन उनका नुकसान हो रहा है, वो नहीं चाहते कि ये पीसफुली आंदोलन यहाँ चले। ये उन्हीं की साजिश है, उन्हीं की गेम खेली जा रही है उन्हीं की तरफ से। और पता भी चला है कि कुछ लोग, वो लोग हैं उसमें शामिल जो पॉलिटिकली बैकग्राउंड के हैं, पॉलिटिकली लोगों के साथ बिल्कुल तालमेल बिठाकर चल रहे हैं। और उन लोगों को, आम जनता को वो लोग बहलाकर, फुसलाकर, उनको अपने पीछे लगाकर वहां लाते हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, वो पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा है, पीसफुली चल रहे प्रोटेस्ट को किसी तरह की अगर कोई भी वहां आकर गुंडागर्दी करता है, खराब करता है, तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो ये पंजाब है, याद रखना चाहिए सरकार को, जब दिल्ली की सरहदों पर बैठे थे तब भी ऐसी गुंडागर्दी करने वाले लोग बहुत पैदा होते थे, जो ये कहते थे कि हमें रास्ता खुलवा कर दो। और उस समय भी पंजाब ने बर्दाश्त नहीं किया, हरियाणा ने बर्दाश्त नहीं किया था। और अब भी लोग इस शांतमयी चल रहे आंदोलन को किसी तरह का भी कोई नुकसान पहुंचाने की अगर सरकार की एजेंसियां पॉलिसी कोई नीति करने का प्रयास करेंगी तो उसका खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। ये पहले ध्यान में रखें, हम पीसफुली हैं, पीसफुली रखना, आंदोलन को रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है और प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे प्रोटेस्ट के अंदर वहाँ पे किसी आदमी को कैसे घुस रहा है, कोई आदमी वहाँ पे आकर जो गुंडागर्दी कर रहा है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार इसके ऊपर कंट्रोल करने का प्रयास करे। और आगे लोगों को मैं विनती करूँगा, लोग सभी प्लीज कृपया शांति बनाकर रखें, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जिन लोगों को आपके इस आंदोलन ने शिकस्त दिया, सोचने के लिए मजबूर किया है, वो लोग नहीं चाहते कि आपका आंदोलन और लंबा चले और उनका नुकसान होए। इसीलिए मैं ये कहता हूँ, अभी सभी साथी, सभी दोस्त आंदोलन में जो बैठे हैं या आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं, सब शांति बनाकर रखें, कोई भी किसी तरह की कोई ऐसी घटना को अंजाम ना दिया जाए। क्योंकि ये तो लोग चाहते हैं कि यहाँ पर किसी न किसी तरह का कोई अप्रिय घटना घटे ताकि आंदोलनकारियों को बदनाम किया जाए। ये मेरा निवेदन है सरकार को, फिर से मैं निवेदन करता हूँ और चेतावनी भी देता हूँ कि अगर इस पीसफुली प्रोटेस्ट को खराब करने का प्रयास करेगी सरकार तो फिर हम लोग बख्शेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।